हेलो फ्रेंड्स, न्यू न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल कंचन को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं आप येस बैंक की CSP फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आप अगर येस बैंक की CSP फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, चलिए। फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर की ब्राउजर में चले जाइए। कंप्यूटर की ब्राउजर में जाने के बाद वहाँ पे टाइप करिए paynearby.in। आप जैसे ही paynearby.in लिख के सर्च करेंगे, आप देखेंगे paynearby.in की जो ऑफिशियल पेज है वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे BC लॉगिन लिखा है। आपको इस BC लॉगिन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस BC लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा, वो है लॉगिन पेज। आपको इस लॉगिन पेज में लॉगिन करने के लिए एक आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। तो फ्रेंड, ये आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? आप इस आईडी और पासवर्ड लेने के लिए हमारी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस बॉक्स में देखिए एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आप उस ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए तो आपको एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके देगा। उस आईडी और पासवर्ड से मदद से आप इस यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP की मदद से आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पर के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वो पेज में आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना पड़ेगा। वो अपडेट करने के बाद ही आप अपनी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन में अगर आपने आधार कार्ड के साथ मैच नहीं करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको सर्विसेज के बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सर्विस आता है मनी ट्रांसफ़र। ये मनी ट्रांसफ़र सर्विस आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ये सर्विस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे देखिए दूसरी सर्विस जो है वो क्रेडिट कार्ड की है। एक क्रेडिट कार्ड सर्विस आप कैसे यूज़ करेंगे? एक क्रेडिट कार्ड सर्विस यूज़ करने के लिए सबसे पहले कस्टमर की जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद कस्टमर की जो नेम है, कार्ड पे जो नेम होगा वो नेम यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे उसका बैंक सिलेक्ट करना है। उसके बाद कार्ड नंबर देना है। उसके बाद री कार्ड नंबर देना है। उसके बाद अमाउंट और नीचे देखिए पे ऑप्शन है, उस पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके अकाउंट से रुपया काट के आपकी अकाउंट पर जमा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है क्लेम रिफंड। ये क्लेम रिफंड सर्विस क्या है? एक क्लेम रिफंड सर्विस है, आपकी कोई ट्रांजेक्शन अगर फंस जाता है तो उसका जो ट्रांजेक्शन का जो मानी है वो रिफंड करने के लिए आपको ये क्लेम रिफंड सर्विस दिया हो रखे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज सर्विस है। वो मोबाइल रिचार्ज सर्विस आप कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले उस मोबाइल रिचार्ज सर्विस को आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रीपेड एंड पोस्टपेड दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए टॉप अप एंड स्पेशल दोनों है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, वो कौन सी कंपनी का है वो सिलेक्ट करना है, और नीचे अमाउंट देना है और रिचार्ज पे क्लिक करना है। जैसे ही रिचार्ज पे क्लिक करेंगे वो रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद आता है डेटा कार्ड सर्विस। ये डेटा कार्ड सर्विस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे डेटा कार्ड सर्विस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑपरेटर सिलेक्ट करना है और नीचे अमाउंट देना है और रिचार्ज पे क्लिक करना है। जैसे ही रिचार्ज पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद आता है DTS सर्विस। आप DTS सर्विस जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट ऑपरेटर लिखा है। आपसे ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे। ऑपरेटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट देना है और रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो वो रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद आता है आधार ATM की सर्विस। आप आधार ATM सर्विस में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा कि यहाँ पे AVPS का एक पेज ओपन हो गया है। ये पेज ओपन होने के बाद नीचे देखिए डाउनलोड AVPS फॉर्म लिखा है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड EKYC एंड या ऑब्लिक के AVPS सॉफ्टवेयर लिखा है। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है AVPS की तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस डाउनलोड AVPS फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना है।
तो आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उसके बाद देखिए आधार कार्ड डिवाइस आईडी लिखा है। ये आधार कार्ड डिवाइस आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए आपकी जो डिवाइस है फिंगरप्रिंट की, उसकी फिंगरप्रिंट डिवाइस में एक सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद अपलोड फॉर्म, ये अपलोड फॉर्म क्या है, आपने जो अभी अभी डाउनलोड किया है फॉर्म, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड एड्रेस प्रूफ लिखा है, एड्रेस प्रूफ में आप अपने आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अपलोड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में अभी अपने आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अपलोड पैन कार्ड लिखा है, उसमें आपके जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आईडी प्रूफ सिलेक्ट करिए और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करिए, आईडी प्रूफ नंबर दे दीजिए, एड्रेस प्रूफ नंबर दे दीजिए और नीचे देखिए अपडेट लिखा है, उस अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ 4 से 5 दिन के अंदर ये एक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड इसमें हम और एक बात बताने वाले हैं आप लोगों को, इस फॉर्म को आप जिस फॉर्म को आपने अभी अभी डाउनलोड किया है वो फॉर्म आरबीएल बैंक की है। ये अगर आप आरबीएल बैंक की सीएसपी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आरबीएल बैंक की डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। अगर आप आरबीएल बैंक में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप येस बैंक की सीएसपी ले लीजिए। आप येस बैंक की सीएसपी ले लेंगे तो अगर आपको कोई भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। येस बैंक की सीएसपी लेने के लिए हमारी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस बॉक्स में देखिए एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उसमें आप कॉन्टैक्ट करिए तो आप में वहाँ से ये सीएसपी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे अगले सर्विस आता है बिल पेमेंट की। बिल पेमेंट में फिलहाल आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक और गैस। ये इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए सबसे पहले आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है, उसके बाद बिलर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद सबमिट करना है। ऐसे ही आपको गैस में ही भी एक ही प्रोसेस है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड आपको अगला सर्विस आता है बस टिकट। बस टिकट में आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। तो बस टिकट सर्विस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले बस टिकट सर्विस को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको ये अपने कहाँ से कहाँ तक जाना है और कौन सी डेट में जाना है और रिटर्न कौन सी डेट में आना है वो लिख के यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए साइड में सर्च लिखा है। सर्च में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बस टिकट के सारे ऑप्शन और लिस्ट चले आएंगे, आप वैसे बस टिकट काट सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड